होंगे, जहां भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी चीज शेयर करने वाली हूँ, बहुत काम के हैं, फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए आज सिलेंगे एक पेटीकोट, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे सिलती हूँ। ऐसे सबके अपने तरीके हैं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मार्केट से कपड़ा आता है फोल्ड करके, बस उसी तरह से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। तो हम इसको खोलेंगे बिल्कुल भी नहीं कपड़े को, और ऐसे ही हम इसका जो है नाप लेंगे। तो पहले हम नाड़े के लिए 2 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। अगर आप फ्रिल वाला बना रहे हो तो आप फ्रिल के लिए 2.5-2.5 इंच का 2 पट्टी निकाल लीजिए, इसी तरह से जहाँ से हम नाड़े के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर 1 से 1.5 इंच कपड़ा निकाल लेंगे नाड़े के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, और इस कपड़े को हम निकालने से पहले और यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंच हमारा जो बेल्ट रहेगा तो दोनों तरफ से मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 इंच का जो है बेल्ट कट करके निकाल रहे हैं। 5 इंच कपड़ा हमने कट बेल्ट के लिए निकाल दिया है, लेकिन बेल्ट अगर थोड़ा सा कम पड़ेगा तब हम इसमें कपड़ा इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन बेल्ट जो हमारा है 20 साइज है, मतलब 40 इंच आएगा, तो ये कपड़ा जो है ना थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तब मैं इसमें जोड़ दूंगी, इसलिए हमने इसमें डबल कपड़ा कट करके रखा है। अब हम इसे रखेंगे साइड में, और अब हम यहाँ पे जो नाड़े के लिए निशान लगाया है ये कपड़ा भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, फ्रिल वाला बना रहे हो तो उसी साइड से आपको फ्रिल के लिए भी कपड़ा निकाल लेना होगा। तो ब्लाउज या सॉरी ये पेटकोट हमारा जो है यहाँ पे हम लगाएंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमने 6 इंच का निशान लगा लिया, जैसा कि अपना पेटकोट है उस तरह से, ठीक है। और दूसरी तरफ से यहाँ पे 9 इंच में रहेगा, तो मतलब आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, तो इस तरह से तिरछा करते हुए हमें, तो दोनों पार्ट के एक कॉर्नर पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया, और दूसरे इस तरफ वाले कॉर्नर पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया। बस पेटीकोट का जो नाप है बस यही एक ही नाप है। अब दोनों पार्ट को हम सीधा करेंगे, पतला वाला जो 6 इंच वाला साइज है 6 इंच जाएगा, 9 इंच वाला 9 इंच पे जाएगा। तब इस तरह से जो कपड़ा बचा होता है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कपड़ा थोड़ा सा इधर बढ़ा होता है इसे हम कट करके निकाल दिए, तो ये बिल्कुल बराबर जाएगा, ठीक है। अब हमें इन कलियों को अलग करना, तो ये 6 कली वाला पेटकोट बन रहा है, तो इसमें 6 कली जो 4 कली आते हैं वो पतले कट होते हैं, और 2 कली यहाँ पे जो हमने फोल्डिंग वाला साइज रहता है वो हमारा जो है 12 इंच का बनता है, ठीक है। तो अब हम 6 इंच का एक इस तरफ रखेंगे और दूसरा वाला दूसरी तरफ रखेंगे, और इसे सिलाई करेंगे, ठीक है। बस इसी तरह जो एक चौड़े वाला 12 इंच में हमने दोनों 6 इंच को जोड़ना है दोनों तरफ से, मतलब एक ही साथ हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 इंच वाले एक बड़े वाले जो चौड़ा वाला साइड होता है उसमें हम एक 6 इंच पहले जोड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा दूँ। और ये देखिए दोनों तरफ हमने जोड़, तो बीच में आप देख रहे हो ये चौड़ा वाला पार्ट है, दोनों किनारे जो है पतला वाला पार्ट लगा है, तो दोनों में एक ही सेम मतलब 6 कली का बना, तो दोनों हमने 3-3 करके जोड़ दिया है, तो इस तरह से है। तो अब दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखेंगे, जो उल्टा वाला साइड है तो दोनों तरफ बाहर रहेगा उल्टा, और जो सीधा साइड है वो अंदर रहेगा, इसके ऊपर रखेंगे, वो तो आप सिलाई करोगे समझ आएगा, हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई लगा दिया है, और इसके बाद जो खुला वाला साइज है पहले हम ऊपर बेल्ट के तरफ यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके दोनों तरफ बेल्ट के लिए हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगा के, और इसको हम सिलाई कर लेंगे फोल्ड करते हुए, इसका एक फिनिशिंग देंगे। और थोड़ा सा बेल्ट कमर चौड़ी हो रही थी तब हम इसमें लगा दिए हैं, चौड़े वाले साइड में 2 हमने इसमें प्लेटें डाल दिए हैं, मतलब 2 जगह चुन्नट मार दिया है हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बना दिया है, ठीक है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट हमने देखो थोड़ा सा कपड़ा जैसे मैंने कहा कम पड़ रहा था तो मैंने जोड़ दिया है। तो बेल्ट जब हम जोड़ेंगे ना तो उल्टे साइड से जोड़ेंगे, हम देखिए उल्टे पे हमने बेल्ट को रखा है, और इस तरह से पहले हम इसको निशान लगा लेंगे, मतलब नाप लेंगे, रफ कर लेते हैं, कहने का मतलब है कि मतलब ज़्यादा जितना कपड़ा हमें ज़रूरत होगा उतना हम रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसी तरह से सिलोगे फ्रेंड्स, आपका पक्का एक ही बार में बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए बिल्कुल कपड़ा एकदम राइट है, हल्का सा बच रहा था तो मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे ऊपर से हमने थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए ऊपर से ऐसे अच्छे से बैठा लेना है, या आपके पास पिन है तो पिन लगा लीजिए, और इस तरह अच्छे से बैठा के
और उसके बाद ये फिनिशिंग दीजिएगा। तो ये हम जब पलटेंगे ना तो उल्टे साए सीधे साए जाएगा। जब हम बेल्ट को सीधे तरफ से लगाते हैं ना तो ध्यान से सिलना पड़ता है, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए। और हमारा जब पेटकोट बनता है ना बहुत बढ़िया बनता है, तो हमेशा पेटकोट को जब बेल्ट लगाएंगे तो उल्टे तरफ से ही हमें लगाना होता है, ठीक है, और सीधे तरफ हमें फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे 3 इंच पे हमने जो सिलाई करी थी उसको छोड़ते हुए हम जो आगे वाला पार्ट होता है उसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, अगर आप पेटकोट पहनते हो साड़ी तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम नीचे जैसे फ्रिल नहीं लगा रहे हैं तो नीचे हम यहाँ पे 2 इंच कपड़े को मोड़ के और 3 सिलाई इसमें लगा लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे कंप्लीट पेटकोट तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर तो फ्रेंड्स करिएगा। पेटकोट सिलना बहुत आसान है और कितने जल्दी से ये सिला गया है, मतलब आधे घंटे नहीं लगते हैं और पेटकोट सिल जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पेटकोट सिल के रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें एक काम और करना है, फॉल लगाना है साड़ी में, तो वो कर लेते हैं। और ये देखिए अभी हम बिल्कुल सिंपल सा बनाए हैं पेटकोट, जैसे होता है ना सादा पेटकोट है, नीचे से कोई फ्रिल नहीं लगा है और ऐसे ही इसको फोल्ड करके सिल दिए हैं, क्योंकि अम्मा को पहनना है, अम्मा के लिए बना रही हूँ, तो इसमें कोई फ्रिल वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये सिंपल सा पेटकोट आधे घंटे में सिल के रेडी हो जाते हैं। ये तो हो गया है, अब हमें लगाना है फॉल, तो चलिए फॉल लगा लेते हैं। और ये पेटकोट की वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे मैं, ये रही साड़ी जो है जिसमें हम फॉल लगाएंगे, हाँ सुंदर है ना, अम्मा कहे। तो फ्रेंड्स जब भी मैं साड़ी में फॉल लगाती हूँ ना, जब ये जो मतलब किनारे वाली साइड होती है, मैं इसे क्या करती हूँ, सिलाई कर देती हूँ मशीन से। मुझे हाथ से लगाना उतना पसंद भी नहीं है, और बार बार जब हम लगाते हैं ना तो क्या होता है कि हमेशा पायल में फंस के, जब पाजेब हम पहनते हैं तो उसमें फंस के हमेशा फॉल निकल जाता है, धागे टूट जाते हैं। तो इस तरह से ये मैं सिलाई बहुत करने से परेशान ना हो गई ये तो थी, पक्की तो मैंने मजबूती कहा आ सिलाई जाती है, ही जैसे सही पायलों में रहेगा। फंस के बहुत बार फॉल निकल जाता है और बार बार हमें ठीक करना पड़ता है। तो जब हम मशीन से सिलाई करते हैं तो पायल में भी नहीं फंसता है और जो है थोड़ा इजी भी हो जाता है, समय भी बच जाता है। वैसे तो हाथ से लगाने में बहुत समय भी लग जाता है और मतलब ये बड़ा काम हो जाता है हाथ से लगाने में, और इसे 5 मिनट में फॉल। तो फ्रेंड्स अब फॉल लगा रही हूँ, अभी देखिए लाइट भी चली गई है। लाइट जब चली जाती है ना तो रोशनी बिल्कुल डीप हो जाता है, लेकिन हम बना रहे हैं, ये काम मेरा हो रहा है रात को, और रात को 10 बज चुके हैं और ये सारे काम करने में, क्योंकि दिन में ना समय नहीं मिला था। मैंने कहा चलो अच्छा अभी ये जैसे हस्बैंड का ऑफिस है तो ऑफिस से जब आएंगे 10:30 तक, तब तक ये छोटा छोटा जो काम रहता है, बड़ा छोटा मतलब जो भी काम है उसे मैं करती रहती हूँ। अब मैं सो नहीं, मतलब नींद तो आएगी नहीं, आएंगी साथ में ही खाना वगैरह खाते हैं, तो सब्जी बना के रख देती हूँ, और जब रोटियाँ बनाना रहता है आते हैं फोन कर देते हैं कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद में साथ में ही खाना खाते हैं, अलग अलग से नहीं खाते हैं। तो चलिए अब इनका भी फोन आ गया है और मैं जाऊँगी अब किचन में, और जो है यहाँ पे साड़ी में फॉल भी लग गई है, मतलब कहने का मतलब है हमारा जो काम है ना वो कंप्लीट हो गया है। अम्मा का 3 चीज में तैयार हो गए, पेटकोट भी ब्लाउज भी हमने सिल दिया है, और ये सारे जो हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, हमारे यहाँ ये त्योहार पड़ता है, छठ पड़ता है, छठी छठी बोलते हैं यहाँ पे, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं आप जानो भाई, लेकिन वो व्रत रखते हैं, लड़कों बच्चों के लिए होता है, तो उस व्रत में नए कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो मैं अम्मा का तो तैयारी करती, लेकिन मैं अपने लिए भी साड़ियाँ नहीं लाई हूँ, और मैं सोच मतलब अभी तो कंफ्यूज हूँ कि साड़ी लाऊँ या सूट लाऊँ, क्योंकि साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, और जब ले आती हूँ तो फिर पड़ा रह जाता है, और एक बार दो बार पहन लो फिर वीडियो में आता है, फिर अच्छा नहीं लगता है पहनते हुए बार बार, तो इसलिए नहीं। और ये जो टमाटर कट करके भी प्याज वगैरह डाल के बना रही हूँ, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब मतलब खाना निकालती हूँ ना तो ये सारी चीज़ें बना देती हूँ, और आम भी कट कर दिया है। अब सिंपल सा खाना, रात को इतना रात हो जाता तो मैं बिल्कुल भी हल्का सा खाना ही बनाती हूँ, जैसे कोई सादी सब्जी बना लेती हूँ और इस तरह से टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रात हो जाता तो खाना खाने में उतना मज़ा भी नहीं आता है, और फिर हैवी खाना खा के सोना भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सरपुतिया की सब्जी बनाई हूँ, रोटियाँ बना ली, और ये टमाटर हमने कट करके लगा दिया है, नमक वगैरह डाल के, मतलब ये सैलड का काम करता है और खाना